हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्कर्स की। हम जानेंगे कि ऑस्कर्स में किन भारतीय फिल्म और फिल्म आर्टिस्ट की फिल्में और उनके काम को नॉमिनेशन मिला है या फिर अवार्ड मिला है। ऑस्कर्स वैसे तो ज्यादातर अंग्रेजी फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें एक कैटेगरी होती है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, जिसमें कि सभी देश की फिल्में अपने आप को नॉमिनेट कर सकती हैं। तो हम जानेंगे कि किन किन भारतीय फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है और कौन कौन सी भारतीय फिल्में हैं जो उस कैटेगरी के टॉप 5 में शॉर्टलिस्टेड हुई हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि किन भारतीय फिल्मों और फिल्मी कलाकारों को, फिल्मी आर्टिस्टों को, उनके काम की वजह से, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने की वजह से उनको ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है या फिर ऑस्कर का पुरस्कार मिला है। 1956 से पहले ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी नहीं होती थी। पहली बार ये कैटेगरी बनाई गई 1956 में। तो भारत की जो सबसे पहली फिल्म थी जो इस कैटेगरी में, यानी कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, वो थी मदर इंडिया, महबूब खान की मदर इंडिया, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी नरगिस जी ने, सुनील दत्त, राजकुमार और राजेंद्र कुमार जी ने। ये फिल्म भारत की तरफ से पहली ऑस्कर में नॉमिनेटेड फिल्म थी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। और सरप्राइजिंगली ये फिल्म शॉर्टलिस्ट भी हुई थी टॉप 5 फिल्मों में। इसका मतलब ये है कि सभी देश जो अपनी अपनी फिल्मों को नॉमिनेट करते हैं बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में, उसमें ऑस्कर की अवार्ड कमेटी जो है 5 फिल्मों को चुनती है जो कि फाइनली शॉर्टलिस्ट होते हैं उस अवार्ड के लिए, और उनमें से फिर एक फिल्म को ये अवार्ड दिया जाता है। तो पहली बार कोई भारतीय फिल्म नॉमिनेट हुई थी 1957 में, और उसी साल ये फिल्म टॉप 5 फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट भी हुई थी। हालांकि उसे ये अवार्ड नहीं मिला था। उस साल ये अवार्ड मिला था नाइट्स ऑफ केबेरिया को, ये इटालियन फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली मदर इंडिया को ये अवार्ड नहीं मिल पाया था, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म थी भारत की तरफ से और भारत की पहली नॉमिनेटेड फिल्म थी ऑस्कर्स में। इसके बाद 1988 में नॉमिनेट हुई थी मीरा नायर जी की फिल्म सलाम बॉम्बे। मीरा नायर बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं हॉलीवुड में, बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई है। उनकी फिल्म नेम सेक, जिसमें कि इरफान और तब्बू ने मुख्य भूमिका निभाई थी, बहुत ही फेमस थी, बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी ये हॉलीवुड में। यूएस और कनाडा में मीरा नायर को काफी जाना जाता है, उनकी फिल्मों को काफी सराहा जाता है। और सलाम बॉम्बे हालांकि उस साल भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी, लेकिन ये फाइनल 5 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट हुई थी, और हालांकि अवार्ड नहीं मिल पाया था उसे। अवार्ड मिला था उस साल डैनिश फिल्म पहले दे कॉन्करर को। तो ये दूसरी फिल्म थी जो कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में टॉप 5 तक पहुंची थी। तीसरी और आखिरी भारतीय फिल्म जो कि फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में टॉप 5 तक पहुंची थी, वो थी आमिर खान की लगान, जो 2001 में नॉमिनेट हुई थी। इसके प्रोड्यूसर थे आमिर खान और इसे निर्देशित किया था आशुतोष गोवारीकर ने। इस साल भी ये फिल्म हालांकि अवार्ड नहीं जीत पाई थी, हालांकि इसकी मार्केटिंग और लॉबिंग बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन ये अवार्ड मिला था उस साल बॉस्नियन फिल्म नो मैंस लैंड को। आमिर खान की लगान के अलावा 3 और फिल्में ऑस्कर में भारत की तरफ से नॉमिनेट की गई है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में। हालांकि ये फिल्में टॉप 5 में शॉर्टलिस्ट नहीं हुई थी, और ये फिल्में थी रंग दे बसंती और अर्थ, एंड इसके अलावा एक और फिल्म थी तारे जमीन पर, जो आमिर खान ने डायरेक्ट की थी, वो भी ऑस्कर के लिए चुनी गई थी भारत की तरफ से, हालांकि इसे टॉप 5 में कोई जगह नहीं मिली थी। आमिर खान के अलावा कमल हासन एक और ऐसे अभिनेता हैं जिनकी 6 फिल्में भारत की तरफ से नॉमिनेट हुई हैं ऑस्कर के लिए, हालांकि वो कभी भी टॉप 5 में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाई। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्मों के अलावा भी बहुत से भारतीय कलाकारों ने, भारतीय आर्टिस्टों ने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है, और उनके काम की वजह से उनको ऑस्कर्स में नॉमिनेशन और ऑस्कर भी मिला है। इस कैटेगरी में जो पहली फिल्म की बात करेंगे हम, वो है गांधी। बहुत बड़ी फिल्म थी, 1982 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और इस फिल्म ने उस साल ऑस्कर में धूम मचाई थी। इस फिल्म ने 8 ऑस्कर जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर। फिल्म बनाई थी रिचर्ड अटेनबरो ने, और फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी सर बेन किंग्सले ने। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म की इस वक्त इसलिए क्योंकि इस फिल्म में पहली बार किसी भारतीय को ऑस्कर दिलाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन भानु अथैया की, जिसे पहली बार गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। सो भानु अथैया पहली भारतीय महिला हैं, पहली भारतीय कलाकार हैं जिसे कि ऑस्कर अवार्ड मिला था 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ये अवार्ड उन्हें मिला था जॉन मोलो के साथ गांधी फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए पंडित रविशंकर जी को भी नॉमिनेशन मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए, हालांकि उन्हें अवार्ड नहीं मिला था। तो गांधी, जिसने ऑस्कर में बहुत धूम मचाई थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय को ऑस्कर मिला था इस फिल्म के लिए।
गांधी के बाद 1992 में निर्माता निर्देशक सत्यजीत रे को ऑस्कर से सराहा था, उन्हें ऑनररी अवार्ड दिया गया था। इट्स सिमिलर टू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंडिया। सत्यजीत रे जो कि भारत के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक रहे हैं, ज्यादातर फिल्में उन्होंने बंगाली में की हैं, हालांकि हिंदी में भी उन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं। उनकी हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बहुत सराहा गया था उसे, प्रेमचंद जी की एक कहानी पर बनी थी और उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी संजीव कुमार जी ने, और बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी, बहुत सराहा गया था। कमर्शियली हालांकि इतनी बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड फिल्म थी। और सत्यजीत रे ने तो बंगाली फिल्मों में बहुत जबरदस्त फिल्में बनाई हैं, भारत में उन्हें भारत रत्न से भी सराहा गया है। 1992 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, और ऑस्कर ने उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए 1992 में ऑनररी अवार्ड सत्यजीत रे को दिया था। इसके बाद आई थी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 में। ये ब्रिटिश फिल्म थी जिसे बनाया था डायरेक्टर डैनी बॉयल ने। इस फिल्म ने भी उस साल ऑस्कर में धूम मचाया था। इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर। लेकिन इस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस फिल्म में 3 ऑस्कर पुरस्कार भारतीय कलाकारों को मिले थे। कौन थे वो? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर मिला था AR रहमान को उस साल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला था AR रहमान और गुलजार साहब को। ऑस्कर अवार्ड्स में भारतीय अवार्ड्स की तरह बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड अलग अलग नहीं होता है। वहाँ पे एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिलता है जो कि बोथ म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट को मिलता है, इसलिए ये उस साल ये अवार्ड AR रहमान और गुलजार को एक साथ दिया गया था। इसके अलावा बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड मिला था रेसुल पोकिटी को, जो कि भारत के बहुत जाने माने साउंड मिक्सर है। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 3 भारतीय कलाकारों को अवार्ड मिला था, और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय को ऑस्कर मिला हो 2009 में। इसके बाद हालांकि डैनी बॉयल की अगली फिल्म जो आई थी 127 आवर्स, उसके लिए भी AR रहमान को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था, हालांकि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिल पाया था। और जहां तक मेरी जानकारी है, लाइफ ऑफ पाई के लिए भी AR रहमान को नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर का, हालांकि अवार्ड उन्हें इस साल भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, ये वो फिल्में हैं जिनके लिए कि भारतीय फिल्मकारों को या तो ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला या ऑस्कर अवार्ड मिला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आगे भी ऐसी मनोरंजक जानकारी आपको पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।